हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप सबके स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा उबेर कैसे यूज़ करते हो। उबेर में ऐप ये कंटिन्यूटी पे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आईडी होगा वो आपको आईडी डालना होगा। जैसे मेरा जो नंबर है वो नंबर मैं डालूँगा। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे मेरा दो आईडी बना था जिसमें से एक आईडी लॉगिन है। अब ये उबेर ऐप खुल रहा है। यहाँ पर गो कर दीजिएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे ये मेरा बुकिंग भी आ गया, बीच में क्लिक करिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है ना, ये कस्टमर का लोकेशन है। पर यहाँ मैसेज पे क्लिक करके फिर वहाँ पर ऑप्शन देगा कस्टमर का कॉल का, वो कॉल का ऑप्शन टिप दीजिएगा ऊपर में, देखिए। कस्टमर से कंफर्म कर लीजिएगा वो आपका, उनका लोकेशन सही है कि नहीं है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो लोकेशन डालते हैं पर वो गलत लोकेशन हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉल करके, बात कर लिया हूँ, लोकेशन सही है, आप अब जा सकते हैं। जैसे मैं अभी जाऊँगा, जैसे मैं जा रहा हूँ हल्का हल्का जा रहा हूँ, डायरेक्शन सब देख देख के। अब देखते रहिएगा कैसे कैसे आपको देखना है, काम करना है उबेर में आपको।
जैसे मैं अब पहुंचने वाला हूं, और आप जैसे पहुंचोगे ना उस रेड वाले पे, वहां पर डायरेक्ट आपको ऑटोमेटिक बीच हो जाएगा। देखिए मैं रीच हो जाएगा तो आपका यहाँ पर टाइमिंग चालू हो जाएगा नीचे में। देखिए मेरे टाइमिंग चालू हो गए, मैसेज पे क्लिक करके करिएगा। यहाँ पर अराइव कर दीजिएगा, कस्टमर का मैसेज चल जाएगा। अब वेट करिए कुछ कस्टमर आएंगे। और नहीं आने पे वहाँ पर कॉल बटन दिया हो तो फिर कॉल कर लीजिएगा कस्टमर को। जैसे ये आ गया कस्टमर, तब पिन डालना है इसमें, जो भी पिन होगा वो मैं डाल रहा हूँ। अब देखिए रेड वाला जो दिखा ना, वो कस्टमर का ड्रॉपिंग लोकेशन है, वहाँ पर जाना होगा। प्लीज यूज रियर सीट बेल्ट फॉर योर सेफ्टी।
देखिए मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको भी जाना होगा। पर यहाँ पर जो है, कस्टमर ने बोला है कि मेरा वो लोकेशन गलत हो गया है, ये यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करना है। यहाँ दिखा रहा है ना एरो में जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं लेके जाकर कस्टमर को ड्रॉप कर दूँगा। कभी कभी ऐसा ड्रॉपिंग लोकेशन गलत हो जाता है। नहीं तो आप लोग सबको रेडियो जो क्रॉस है ना, वहीं पर जाके आपको एंड करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कलेक्शन क्या दिखाया था ना, वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फेयर आपको दिखा देगा। फिर ये कंप्लीट ओवर गो कर देना है और फिर यहाँ रेटिंग डाल देना है।